जखोली में सूर्यप्रयाग मूसा ढोंग 10 किलोमीटर सड़क के जैली मरगाब तिला 5 किलोमीटर लंबी लंबी सड़क का कार्य शुरू हो गया है। सड़क के डामरीकरण शुरू होने पर ग्रामीण जनता ने खुशी जताते हुए विधायक का धन्यवाद दिया है। वहीं विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि लंबे समय से सड़कों को डामरीकरण करने की मांग स्थानीय जनता कर रही थी, जिसके लिए निरंतर प्रयासरत थे। अब स्वीकृति मिलने के उपरांत डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया है। इस मौके पर विधायक चौधरी ने कंडाली में इंदिरा सैनी मंदिर परिसर में बहुउद्देश्य हाल के लिए 5 लाख की धनराशि और तैला में नागराज मंदिर सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए की धनराशि विधायक निधि से देने की भी घोषणा की है। वहीं ग्रामीणों ने सड़क डामरीकरण के शुरू होने पर ग्रामीणों ने गाजी बाजे के साथ में विधायक चौधरी का जोरदार स्वागत किया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। हमें हमारा सपना साकार हुआ कि हमारी ग्राम पंचायत में माननीय विधायक जी ने हमारी ग्राम पंचायत में डामरीकरण किया। बहुत ही खुशी की बात है। मैं उन्हें तहे दिल से स्वागत करती हूँ और अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से उनका स्वागत करती हूँ। अपना इतना बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, मेरी इतनी लंबी डिमांड, इतनी लंबी संघर्ष के बाद हमारे यशस्वी विधायक जी ने हमारी सुनी। और ऐसे विधायक अगर सब विधानसभा में हो जाए तो जनता को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा विकास स्वयं हमारे घर आएगा। 3 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से जैली मरगांव तैला मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। बहुत लंबे समय से क्षेत्रीय जनता की मांग थी इस सड़क के डामरीकरण का, और इसकी आवश्यकता भी थी। आज जो है वो मांग लोगों की पूरी हुई है। क्षेत्र की जनता में बहुत उत्साह है। मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नवरात्र के अवसर पर सबको शुभकामनाएं।